सो हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। मैं रमनदीप सिंह एक बार फिर हाजिर हाँ थोड़ी अपने चैनल रमन इंस्टीट्यूट से, और स्वागत करता जी सारा एक बार तो फिर इस चैनल उत्ते। सो वीडियो शुरू करने तो पहले रिक्वेस्ट है कि जोड़े विद्यार्थी इस चैनल के पहली बार आए हैं चैनल को सबसक्राइब कर लेना, नाल ही बैल आइकॉन पर क्लिक कर लेना ताकि तुहानू जी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो सब तो पहला मिलती रहे। सो इस चैनल उत्ते पी एस टैट एस टैट एंड मास्टर ग्रेड की प्रिपरेशन करवाई जाती है, घर बैठे ही वधिया तरीके प्रिपरेशन करने के लिए चैनल में सबसक्राइब करना ना भूलना। सो इस चैनल उत्ते मास्टर ग्रेड के संबंधित काफ़ी सारिया वीडियोज़ जी अपलोड कर दी ने, हिस्टरी ज्योग्राफी पोलीटिकल साइंस ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, पंजाबी एंड इंग्लिश, उन्होंने सारे सब्जेक्टों के असं काफ़ी सारिया वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं क्वेश्चन ने, और थ्योरीज़ भी बहुत जल्दी जी अपलोड कर देवे तो वधिया तरीके जी प्रिपरेशन कर सको। सर साडा इकनोमिक्स का जरा लैक्चर इस असी सैकंड पार्ट जो है गा सैकंड चैप्टर के संबंध डिमांड मार्केट डिमांड्स डिटरमीनेट्स कर्व्स एंड प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड्स, सो ये नाल रिलेटेड हैगा गा। सो आस करदा कि वीडियो सब दे लई हैल्पफुल रहेगी, सब नूं कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। सो शुरू कर दें सैशन, सैकंड पार्ट हैगा गा। सो ऑप्शन एक है जी, सो सॉरी क्वेश्चन 21 नंबर है साडा भी, असीं पहला पार्ट दे विच कर लेते सी, वो तुहानूं प्लेलिस्ट दे विच मिल जाएंगे, उत्थे जाके तुसीं देख सकदे हो, ठीक है जी। सो एक सीधी रेखा मंग वक्र के मध्य विच स्थित बिंदु की मंग की लोच हुंदी है, सो ऑप्शन एक है जी दो, ऑप्शन दो है एक बटा दो, ऑप्शन सी है एक, ऑप्शन डी है जी चार। एक सीधी रेखा हैगी है कि उसकी मंग जी वक्र है डिमांड जी कर्व हैगी है कि वह मध्य बिंदु के स्थित हैगी है, तो उसकी मंग की लोच की होगी, इसका राइट जो आंसर है वो सी है जी। सो एक होगी जेकर एक सीधी रेखा मंग रेखा डिमांड कर्व जी मध्य सितु है स्थित हैगी बिंदु के उपर, ठीक है जी। सो अगे 22 नंबर क्वेश्चन जी, जदों कीमत के प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मंग विच घट प्रतिशत परिवर्तन होंदा है तो मंग होगी, ऑप्शन एक है पूर्ण विलोचदार मंग, ऑप्शन दो है पूर्ण लोचदार मंग, ऑप्शन सी है लोचदार, ऑप्शन डी है बेलोचदार। सो जदों कीमत के प्रतिशत परिवर्तन होगा, ठीक है, उसकी तुलना के मंग के घट प्रतिशत परिवर्तन होता है तो यह मंग की होगी डी होगी बेलोचदार होगी, ठीक है जी, बी डी ऑप्शन यदा सही होगा, जो कीमत की प्रतिशत के तुलना में मंग के घट प्रतिशत परिवर्तन होता है। नैक्सट है जी 23 नंबर, जदों मंग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होए प्रतिशत परिवर्तन की तुलना के वाधा होंदा है तो वस्तु की मंग की होगी, इत्थे है कि जदों मंग दे विच प्रतिशत परिवर्तन की जिहड़ी कीमत दे विच प्रतिशत परिवर्तन की तुलना के वाधा होंदा है, सो इत्थे घट सीगा इत्थे वध है, तो इत्थे वस्तु की मंग की होगी, सो ऑप्शन क्या है बेलोचदार, ऑप्शन दो है लोचदार, ऑप्शन सी है जी पूर्ण बेलोचदार, ऑप्शन डी है समानुपाती। सो 23 नंबर का राइट आंसर है जी बी, सो इतें लोचदार होगा क्योंकि इतने जी वस्तु की मंग की जी प्रतिशत हैगी वह तुलना के वध हैगी प्रतिशत के, ठीक है जी। सो नैक्सट है जी 24 नंबर, जदों मंग वक्र वाई एक्स के समानांतर होंगी है तो मंग की लोच एफ डी होंगी है, ठीक है। सो ऑप्शन एक है इकाई, ऑप्शन दो है सिफर, ऑप्शन तीन है इकाई तो घट, ऑप्शन डी है अनंत। सो जदों मंग वक्र जी वाई एक्सस से होंगी हैगी समान अंतर होंगी उसते तो मंग की लोच जी की होंगी है जिसनों कि ई डी शो किया जाता है, इसका सही आंसर है बी जी सिफर होंगी हैगी है, ठीक है जी, जदों मंग वक्र वाई एक्स के उपर समान अंतर होंगी हैगी है। नैक्सट है जी 25 नंबर, एक उपभोक्ता 4 रुपये प्रति इकाई कीमत और 5 इकाइया की मंग करता है, जदों कीमत घट के 3 रुपये प्रति इकाई हो जाती है तो यह इकाई ए 10 इकाइया खरीदा है, मंग की कीमत लोच बराबर होगी किस चीज़ के, सो ऑप्शन एक है 3, ऑप्शन दो है बी सॉरी ऑप्शन दो है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है जी 1.5। सो 25 नंबर का बी आंसर है जी, सो 4 होगा इसका सही आंसर, ठीक है, जदों की है एक उपभोक्ता दे 4 रुपये प्रति इकाई कीमत हैगी है, 5 इकाइया की मंग वह व्यक्ति करता है उपभोक्ता, ठीक है, जदों की कीमत घट के 3 रुपये रह जाती हैगी है प्रति इकाई तो वह 10 इकाइया खरीदता है, समय जी मंग की जी कीमत होगी वह 4 रुपये होगी, ठीक है। नैक्सट है जी हेठां लिखी तालिका के आधार पर मंग की लोच करो, सो ऑप्शन दिता है कि कीमत जी हैगी 10 से 15 हैगी है और मंग जी है 40 तो 20 हैगी है, ठीक है जी, कीमत 10 है तो मंग वो 40 हैगी है और कीमत 15 है तो उसकी जी मंग हैगी 20 हैगी है, ठीक है। सो ये ऑप्शन ए हैगा जी एडी बराबर 1 है जी एंड ऑप्शन बी है एडी
ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਥ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਨਸਰ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ। ਸੋ ਥਿਉਰੀ ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ 26 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਏਡੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਦੈਨ 1 ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਏਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 27 ਨੰਬਰ, ਜੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਘਟਣ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਘਟੀਆ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ 2 ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਚ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਘਟਣ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀ, ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਲੋਚ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤ ਘਟਣ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 28 ਨੰਬਰ, ਨਿਊਨ ਮੰਗ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ 1 ਹੈ ਅਧਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ 2 ਹੈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਸੋ ਨਿਊਨ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 29 ਨੰਬਰ, ਨਿਊਨ ਮੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ 1 ਹੈ ਜੀ ਘੱਟ, ਆਪਸ਼ਨ 2 ਹੈ ਅਧਿਕਤਮ, ਆਪਸ਼ਨ 3 ਹੈ ਸਿਫਰ, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿਣਾਤਮਕ। ਸੋ ਨਿਊਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਨ ਮੰਗ ਅਵਸਿਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਹੈ ਅਲਪ ਉਤਪਾਦ, ਆਪਸ਼ਨ 2 ਹੈ ਅਲਪ ਆਮਦਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਅਲਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਨਿਊਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਸਿਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ 30 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਅਲਪ ਉਤਪਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲਪ ਆਮਦਨ ਹੋ ਗਈ, ਅਲਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ, ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਨਿਊਨ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 31 ਨੰਬਰ, ਨਿਊਨ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਹੈ ਜੀ ਅਵਸਵੀਕਤਿਕ ਅੰਤਰਾਲ, ਆਪਸ਼ਨ 2 ਹੈ ਸਿਫਤਿਕ ਅੰਤਰਾਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸੀ ਹੈ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਅੰਤਰਾਲ, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਬਚਤ ਉਪਭੋਗ ਅੰਤਰਾਲ। ਸੋ ਨਿਊਨ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਸੋ ਅਵਸਿਫਤਿਕ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਊਨ ਮੰਗ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 32 ਨੰਬਰ, ਅਵਸਿਫਤਿਕ ਅੰਤਰਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਸੋ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਏ ਡੀ ਐਫ ਮਾਈਨਸ ਏ ਡੀ ਟੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਹੈ, ਸੋਰੀ ਯੂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਏ ਡੀ ਐਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਡੀ ਯੂ ਹੈਗਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। 33 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮੱਗਰ ਨਿਊਨਤਾ ਅਤੇ ਅਵਸਫਿਤਕ ਅੰਤਰਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ? ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਉਪਭੋਗ ਉਪਯੋਗ ਖਰਚ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਰਚ 'ਚ ਕਮੀ, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਆਯਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਕਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਸੋ ਨਿਊਨਤਾ ਅਤੇ ਅਵਸਿਕਤਾ ਅੰਤਰਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 33 ਦਾ ਜੀ ਸੀ, ਆਯਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਦਾ ਅਸਤਿਵਿਸਤਕਾ ਅੰਤਰਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਿੱਜੀ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਇਸਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 34 ਨੰਬਰ, ਸੋ ਨਿਊਨ ਮੰਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ? ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਹੈ ਜੀ ਕੀਮਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਲਾਭ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨਿਊਨ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਦਾ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 34 ਦਾ ਡੀ ਹੈ ਜੀ।
सो कीमत पद्धर ते निरंतर जिहड़ी उह गिरावट आउंदी रहिंदी हैगी आ, लाभ घट जांदा है ते निवेश जिहड़ा निरउत्साहित हो जांदा है, जिस कारण करके सारे पॉइंट उसके सिटे निकले आउंदे ने। ठीक है जी। सो 35 नंबर क्वेश्चन है जी, अति वध मंग उह स्थिति है जिस विच कुल मंग अर्थव्यवस्था दे विच पूर्ण रुजगार दे लई जरूरी समगरी पूर्ति नाल हुंदी है। सो ऑप्शन एक है अधिक, ऑप्शन दो है घट, ऑप्शन तीन है बराबर, अते ऑप्शन डी है जी सारे ही। सो जो अति वध मंग होगी किसी चीज़ की, ठीक है, तो उसकी जी कुल मंग अर्थव्यवस्था के पूर्ण रुजगार की समग्री जी होगी वह पूर्ति के नालों अधिक होगी। ठीक है जी। सो बी ए आंसर इसका सही है। नैक्सट है जी, अति वध मंग की होगी इस देखों, ठीक है। सो राइट जिहड़ा आंसर इसका 36 का बी है जी। सो ए डी माइनस ए डी एफ ओ होगा, ठीक है। सो ए डी जिहड़ा शो करता है पूर्ण रुजगार के अगे समगर की मंग है, और ए ए डी एफ जिहड़ा है पूर्ण रुजगार वाली समगर मंगती है। ठीक है जी। सो मैथ बारे मैं थोड़ा जहा घट ही है, तो इसलिए थोड़ा जहा एडजस्ट कर लियो इकनोमिक्स वाले, बट थोड़े लिए जी वीडियो वो जरूर प्रोवाइड करता रहांगा। मैथ नाल तुसीं संबंध जिहड़ा अपने आप कर ही लोगे, क्योंकि सारे इकनोमिक्स जिहड़े हैगे ने उन्हां नूं पता ही है कि इन्हां दे की मीनिंग नहीं, इन्हां दे मैनूं सिंबल्स बहुत घट पता नहीं। सो अति मंग की स्थिति में हेठां लिखियां विचों किहड़ा सही हैगा गा। सो 37 नंबर का लास्ट राइट आंसर हैगा जी ए डी लोअर दैन ए एस जिहड़ा वो सही हैगा गा अति मंग की स्थिति दे विच। ठीक है जी। नैक्सट है जी 38 नंबर, स्फीतिक अंतराल हेठा लिखिया विचों किसका माप है। सो ऑप्शन एक है न्यून मंग, ऑप्शन दो है निवेश प्रवृत्ति, ऑप्शन सी है अति वध मंग, अति ऑप्शन डी है जी बचत प्रवृत्ति। सो स्फीतिक अंतराल जिहड़ा हैगा गा उस दे विचों हेठ लिखा जिहड़ा किसका माप है, इहदा राइट आंसर है जी 38 का सी अति वध जिहड़ी मंग है उसका अंतराल हैगा गा, उसका माप है। ठीक है जी, स्फीतिक अंतराल का। नैक्सट है 39 नंबर, हेठ लिखे विचों किहड़ा वध मंग अते स्फीतिक अंतराल का कारण है। सो ऑप्शन एक है जी कर दीआं दरां विच वाधा, ऑप्शन दो है आयातां विच वाधा, ऑप्शन सी है निवेश खर्च कमी, अते ऑप्शन डी है जी सरकारी खर्च दे विच कमी। सो वध मंग ते स्फीतिक अंतराल दा जिहड़ा कारण है इन्हां दे विचों ओह राइट आंसर दा बी है जी आयातां दे विच वाधा होवेगा, उसदे नाल जिहड़ा वध मंग ते स्फीतिक अंतराल दा जिहड़ा ओह कारण बन जाएगा। ठीक है जी। नैक्सट है जी 40 नंबर, अति वध मंग का हेठां लिखियां विचों किहड़ा परिणाम हुंदा हैगा गा। सो ऑप्शन एक है कीमत पद्धर विच निरंतर वाधा हुंदा है, ऑप्शन बी है उत्पादन नूं अधिक वधाया जा सकता है, नहीं वधाया जा सकता, अति ऑप्शन डी सी है एक अति दो, अति ऑप्शन डी है इन्हां विचों कोई नहीं है। सो 40 नंबर का राइट आंसर सी है जी। सो जदों अति अवधि की मंग हुंदी है तां उन्हां दे विचों जिहड़ा परिणाम निकलदा ओह निकलदा है कि कीमत पद्धर दे विच निरंतर वाधा हुंदा हैगा गा अते उत्पादन नूं अधिक वधाया नहीं जा सकता हैगा। ठीक है जी। नैक्सट है जी 41 नंबर, पूर्ति अपनी मंग आप पैदा करती है, ये निजम कथन या किसका है। सो ऑप्शन एक है एडम स्मिथ का, ऑप्शन दो है रॉबिन्स का, ऑप्शन सी है से का, ऑप्शन डी है जी कोई नहीं। सो पूर्ति जी अपनी मंग आप पैदा करती है, ये निजम जिहड़ा किसका है, इसका राइट आंसर हैगा जी सी से का, यह शब्द हैगा गा उन्होंने अर्थों के उन्होंने यही डेफिनेशन हैगी। ठीक है जी। नैक्सट है जी 42 नंबर, घट मंग दे समय अर्थव्यवस्था दे विचों घट उत्पादन घट आमदन घट रुजगार की स्थिति होंदी है, इस अवस्था नूं की कहिंदे हन। सो ऑप्शन एक है स्फीतिक, ऑप्शन बी है तेजी, ऑप्शन सी है अस्फीतिक, ऑप्शन डी है उपरले सारे ही। सो 42 नंबर का राइट आंसर सी है जी। सो जिस समय घट मंग समय अर्थव्यवस्था घट उत्पादन हुंदा है, घट आमदन हुंदी है, तो घट रुजगार की स्थिति हुंदी है, तो उसनूं अस्फीतिक कहा जाता है। नैक्सट है जी 43 नंबर, जब कुल मंग कुल पूर्ति तो वध हुंदी है तो इस स्थिति नूं की कहिंदे हन। सो ऑप्शन एक है घट मंग, ऑप्शन बी है मंदी, ऑप्शन सी है वध मंग, अते ऑप्शन डी है परले सारे ही। सो 43 नंबर का राइट आंसर है जी वध है। सो जदों कुल मंग कुल पूर्ति तो वध हुंदी है तो इस स्थिति नूं वध मंग कहा जाता है। नैक्सट है जी न्यून ते अति अधिक मंग नूं ठीक करन दे उपाय किहड़े हन। सो ऑप्शन एक है राजकोशी नीति, ऑप्शन बी है मौद्रिक नीति, ऑप्शन सी है एक अते दो, अते ऑप्शन डी है इन्हां दे विचों कोई नहीं। सो न्यून अति अधिक मंग नूं ठीक करन दे जिहड़े उपाय ने ओह किहड़े ने इन्हां दे विचों। सो राइट आंसर है सी राजकोशी नीति ते मौद्रिक नीति जिहड़ी हैगी है कि ओह न्यून ते अति अधिक मंग नूं ठीक करन दे उपाय हैगे ने। नैक्सट है जी 45 नंबर, राजकोशी नीति तो भाव है सरकार की किस नीति तो। सो ऑप्शन एक है आमदन नीति तो, ऑप्शन दो है खर्च नीति तो, ऑप्शन सी है बजट या आमदन ते खर्च नीति तो, ऑप्शन डी है
बैंक दर नीति, स्वराज कोशी की नीति तो भाव है सरकार की बजट या आमदन अते खर्च नीति होंगी है। सो यही इन्हों की राइट जी डेफिनेशन है। ठीक है जी, सो थैंक यू। सो अज के सैशन के इन्हें ही क्वेश्चन करा, विश्वास करता कि क्वेश्चन सब के लिए हैल्पफुल रहेंगे, सब कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। सो जेकर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दियो, अपने फ्रेंड सर्कल के शेयर जरूर कर दियो, और कमेंट सैशन के जेकर कोई सुझाव है किसी प्रकार की कोई कमी नज़र आती है तो शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।